नमस्कार, मैं शशिकांत राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बलौदा। आज मैं एक स्पेशल क्लास लेके आप लोगों के पास आया हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स अभी COVID-19 की वजह से, लॉकडाउन में की वजह से, जो उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा ये एग्ज़ाम होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। तो इतने दिनों में जो आदमी मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, पढ़ने की जो इच्छा ख़त्म हो जाती है, उसको बूस्टअप करने के लिए, उनको रिवाइज करने के लिए कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ। बच्चों, ये आप ही लोगों के लिए वीडियो है, ज़रा ध्यान से पढ़ें और रिवीजन करें, बुक से भी और जो आपने नोट्स बनाए हैं उससे भी। तो आज का हमारा टॉपिक है, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है ये, बेसिकली बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड का यूनिट सेकेंड में से एक टॉपिक लिया हूँ मैं, वो है लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन, या इसको हम लैग्रांज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस भी कहते हैं, मैग्नीफिकेशन के लिए है। मैग्नीफिकेशन जैसे नाम से ही लग रहा है, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला तो बेसिक पता होना चाहिए कि मैग्नीफिकेशन क्या है। मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन क्या है, प्रतिबिंब की साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की आकार या प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की लंबाई ऊंचाई आकार जो भी कह लो, है ना। तो ये बेसिक है, इसको याद रखना है। तो इस लैग्रांज इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे। लैग्रांज इक्वेशंस होता है μ1H1 tan α1 = μ2H2 tan α2। ये μnHn α n भी हो सकता है जनरलाइज फॉर्म में। ये सिर्फ हम एक ही सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, एक ही लेंस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर और भी सिस्टम्स हो, लेंस, बहुत सारे लेंस से मिलकर एक लेंस निकाय बना हो, तो ये जितने भी आएंगे सब में लागू होता जाएगा। μ1H1 tan α1 = μ2H2 tan α2 = μ3H3 tan α3, ऐसा सो ऑन चलेगा, ये चलता रहेगा। फिर अब आ जाते हैं सीधे हम डेरिवेशन पे। यहाँ पर चित्र में मैंने आपको एक लेंस निकाय दिखाया है, लग रहा है कि ये क्या है, उत्तल कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्वेक्स सरफेस की इस तरफ जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और इस तरफ जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है। इस कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, c है, ये पोल है, और ये ऑब्जेक्ट रखा है OA। OA का जो ऊपरी सिरे से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीधे में दिखाई दे रहा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है हमेशा क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये लाइट जो इंसिडेंट रे है, ये आपतित किरण, वो सीधे चली जाएगी, ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में। वैसे ही हमने इसके बॉटम से एक लिया रेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट से है, तो ये जो रेज ऐसे जा रही है, यहाँ पर कॉन्वेक्स सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो बट नेचुरल है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा। तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, उसके बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड या अपवर्तित किरण जो है इस तरीके से आ रही है, वो जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ आर एंगल बना रही है, जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये अल्फा, इस ये जो इंसिडेंट रे है ओ से जो इस सरफेस पे आ रही है, वो अल्फा वन एंगल बना रही है, और ये अल्फा टू। अब बात मेजरमेंट साइन कन्वेंशन की होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट जो है h1 है, और ये इमेज की हाइट क्या है, h2 है। तो ये हम क्या मान के चल रहे हैं, इसको भी हम क्या लिखेंगे, माइनस h2 लिखेंगे, क्योंकि वो नीचे के साइज का साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं कि -H2 लिखाएगा, और यहाँ से हम जब नोट्स बनाते हैं या एग्ज़ाम में लिखना होता है, तो कुछ बातें कि कुछ कहानी लिखनी पड़ती है। जैसे आपने चित्र बनाया, तो जो अभी मैं बोल रहा था उसको आपको लिखना होता है कि एक आपतित किरण से आ रही है, अपवर्तित किरण से जा रही है, इससे फला फला कोण बना रही है, दुनिया भर की जिसकी जो इसके जो विवरण है वो शुरू में लिखने पड़ते हैं, वो आवश्यक है बेटा, नंबर तभी आता है। उसके बाद हम यहाँ बनने के बाद ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है, इस तरफ का डिस्टेंस है वो क्या होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है। इस तरफ का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लगा देता हूँ, ये नेगेटिव है।
माइनस यू, ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, मतलब ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सभी डिस्टेंस को हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। पोल के या ध्रुव के इधर के डिस्टेंस जो है नेगेटिव होते हैं, इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं। ये मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं। साइन कन्वेंशन आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब मुख्य डेरिवेशन को शुरू करते हैं, तो हम जानते हैं कि आवर्धन, रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, आई बी बटा वस्तु की लंबाई ओ ए बराबर माइनस एस टू, ये माइनस एस टू, आई बी क्या है माइनस टू, नीचे का है तो माइनस एस टू, और ये ऊपर की तरफ का डिस्टेंस है तो ये क्या है प्लस एच वन। तो ये हो गया आपका समीकरण एक, ठीक। उसके बाद अब त्रिभुज को देख लो, ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी और आई सी बी या सी आई बी, इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं दोनों त्रिभुज कैसे हैं। देखो ध्यान से, ये सिमिलर हैं, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, और ये एंगल इसके बराबर है, तीनों एंगल दोनों त्रिभुजों के सेम हैं, तो सिमिलर है। तो उस केस में फिर क्या होगा, अब रेशियोज जो होते हैं उनके साइड्स के वो भी सेम होते हैं, आई बी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू सी आई अपॉन ओ सी, सी आई अपॉन ओ सी। अब सी आई क्या है, सी आई मतलब ये वाला डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस मतलब इस वी में से इस आर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वी माइनस आर होगा। उसके बाद यहाँ यू प्लस आर, ये वाला डिस्टेंस है सी ओ, तो इस डिस्टेंस को हम ले लिए यू प्लस आर, लेकिन यहाँ पर यू के साथ हम क्या लगा दिए, निगेटिव लगा दिए, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन, इधर के डिस्टेंस को हमको निगेटिव मेजर करना ही है, तो ये हो गया माइनस यू प्लस आर। अब इसको हम इस इक्वेशन आई बी अपॉन ओ को कंपेयर कर दे किससे, वन वाली इक्वेशन से, तो ये हो गया माइनस एस टू अपॉन एच वन और एम इज इक्वल टू, और माइनस एस टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू वी माइनस आर अपॉन माइनस यू प्लस आर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, टू, क्लियर। अब स्नेल का नियम निकालते हैं, स्नेल का नियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलना तो नहीं पड़ेगा ना, स्नेल का नियम रिवाइज कर रहा हूँ भाई, याद रहना चाहिए। तो एन टू अपॉन एन वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो गया। अब यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण बहुत कम है, अत्यल्प है, तो उस केस में जानते हैं कि आई कम होगा तो आर भी कम होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो तो फिक्स है ना भाई, ठीक है। तो I कम होगा तो R, तो I अत्यल्प है मतलब R भी अत्यल्प है, और अत्यल्प का मतलब होता है साइन I बराबर I और साइन R इक्विवेलेंट टू R के बराबर हो, साइन I को हम I लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन I और R को यहाँ पर हम रख दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन I R ऐसा हो जाएगा, ठीक है। N2 टू अपॉन एन वन इज इक्वल टू आई अपॉन R, अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो N2 टू R इज इक्वल टू एन वन I, ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री। अब ये तीसरा समीकरण जो है एन वन आई इज इक्वल टू एन टू आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम I और R के साथ कुछ अंतः को, आप जानते होंगे कि किसी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग बहिर कोण के बराबर होता है, उसी को लेकर चलेंगे। तो इस त्रिभुज को ध्यान से देखो आप, ये QOC में देखो, ये कोण थीटा है यहाँ से यहाँ तक, ये कोण अल्फा वन है, इन दोनों का योग, ये बहिर कोण आई के बराबर होगा। त्रिभुज QOC में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस थीटा, ठीक। वैसे ही QCI में देखो आप, QCI में क्या होगा, ये बहिर कोण है थीटा, लिखना है तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, त्रिभुज क्यू सी आई में थीटा इज इक्वल टू आर प्लस माइनस अल्फा टू लिखोगे आप इसको, भाई मेजरमेंट को तो नियम साइन कन्वेंशन का फॉलो करेंगे ही, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा टू, ठीक। अब ये आप ये दोनों इसको हम यूज करेंगे तीन में लगा डालने के लिए, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एन वन, ये हो जाएगा आपका अल्फा वन प्लस थीटा इज इक्वल टू एन टू, ये आपका आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा टू, ये हो गया समीकरण नंबर चार।
अब हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या वाला खेल खेल लेते हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन हम नहीं भूलेंगे, इस चीज को हम याद रखेंगे हमेशा। और बात रही साइन कन्वेंशन को इस तरीके से लिखने की, तो हो सकता है अटपटा लग रहा हो, कोई बात नहीं, यदि आपको लगता है तो सबको जैसा आप देख रहे हो प्लस प्लस अब ऐसे लिखते जाइए, और लास्ट में आप साइन कन्वेंशन फॉलो करिए, तब भी सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, बिल्कुल करके देखिए। ठीक, अब कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, तो मैं अल्फा वन को लेकर चलूंगा, अल्फा वन बराबर ये कोण है तो इसको हम चाप मान लेते हैं, ये पी क्यू चाप बटा ये वाला त्रिज्या, तो ये कोण बराबर क्या हो गया पी क्यू बटा ये त्रिज्या क्या है आपका पी ओ है, उसको मैं सीधे सीधे क्या लिखता हूँ यू। अब साइन कन्वेंशन चूंकि फॉलो कर ही रहे हैं तो यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, माइनस यू। उसी प्रकार आ जाते हैं हम थीटा, कोण बराबर ये चाप पी क्यू बटा ये त्रिज्या पी सी, पी सी मतलब क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी क्यू अपॉन त्रिज्या आर, इस तरफ का डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ले लिए हैं। इसी प्रकार हम लेकर चलते हैं अल्फा टू, अल्फा टू ये इस त्रिभुज को देखो ऐसे, ये वाला ऐसा बन रहा है ये चाप, तो अल्फा टू बराबर क्या होगा कोण बटा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो ये कोण है तो कोण कैसा रहेगा माइनस में रहेगा, साइन कन्वेंशन पे ही लेकर चलेंगे तो चाप बटा त्रिज्या पी क्यू बटा पी आई, तो पी आई ये डिस्टेंस क्या है आपका वी, पॉजिटिव रहेगा। इन तीनों इन मानों को अब समीकरण हम चार में रखते हैं, इन मानों को हम समीकरण चार में रखते हैं, ये क्या हो जाएगा देखो एन वन, अब आपको समझ में आ रहा है इसमें पी क्यू ऊपर में आएगा, इसके भी पी में ऊपर में पी क्यू आएगा, इसमें ऊपर में आएगा, इसमें तो सारे पी क्यू तो निपट जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पी क्यू को हटा देता हूं मैं सीधे लिखता हूं, तो एन वन अल्फा वन का हो जाएगा माइनस वन अपॉन यू, ये पी क्यू था ऊपर में ना, प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन आर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका एन टू में थीटा बराबर ये एन टू इंटू वन अपॉन आर, और यह आपका अल्फा टू वो सेकेंड वाला अल्फा टू मतलब पी क्यू अपॉन वी मतलब माइनस में आएगा माइनस वन अपॉन वी। तो अब ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन वन अपॉन आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन आर माइनस एन टू अपॉन वी, कुछ मिलता जुलता लेंस मेकर फार्मूला कभी बनाए रहे होंगे, याद आ रहा है, बिल्कुल बेटा वही सब है, बोर्ड मिटाता हूँ फिर इसको। अब समीकरण मान रखने पर देखिए एन टू अपॉन एन वन करते हैं सीधे, तो क्या होगा माइनस यू अपॉन माइनस यू माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन आर अपॉन ये वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन वी, सॉल्व करेंगे तो यू आर वी आर जो आएगा एलसीएम उसमें से आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, भी ऊपर चला जाएगा यू नीचे आ जाएगा और इस तरीके से आएगा। यहाँ पर हम समीकरण एक को आप ध्यान दोगे तो माइनस यू प्लस आर है, समीकरण एक में आप ध्यान से देखें माइनस यू प्लस आर है, ये भी माइनस आर ऊपर की ओर है और माइनस यू प्लस आर नीचे की ओर है, तो उसको वैसे एडजस्ट करने के लिए दिखाने के लिए माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस आर हो गया माइनस यू आर हो गया, दिखेगा वैसे ही, और ये माइनस यू लिख दिया यहाँ पर। देखिए माइनस यू प्लस आर हमने क्या किया, वो आर माइनस यू था उसको माइनस यू प्लस आर, जैसे कि समीकरण एक में जो दिख रहा है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला एम इज इक्वल टू माइनस एस टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू वी माइनस आर अपॉन माइनस यू प्लस आर, बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखने के लिए हमने ऐसा किया है, तो माइनस यू प्लस आर अपॉन वी माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा एच वन अपॉन एस टू माइनस एच वन अपॉन क्या हो जाएगा ये एच टू, ठीक है, और ये भी माइनस यू, तो अब भी और यू को फिर से हम कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या से देख लेते हैं, तो इस त्रिभुज को आप देखो, ये त्रिभुज बोलते हैं इस चाप को देखो आप, ये वाला ये चाप पी क्यू के साथ अल्फा टू का रिलेशन देखो, कोण बराबर ये चाप बटा ये त्रिज्या, तो ये त्रिज्या क्या है वी है, माइनस अल्फा टू साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो ये पी क्यू अपॉन वी, और तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू अपॉन माइनस अल्फा टू, और चूंकि कोण अत्यल्प है अल्फा टू कोण को या अल्फा वन कोण को मतलब जितने भी कोण है उसको हम अत्यल्प मान के चलते हैं, तो टेन अल्फा या टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, बहुत कम है या नियर अबाउट जीरो है तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल उसी को हम लेकर चलते हैं।
तो माइनस अल्फा टू को हम लिख दिया 10 माइनस अल्फा टू। अब 10 क्यों लिया भाई, साइन क्यों नहीं लिया? तो यहां पर चाप बटा त्रिज्या दिखे तो लंब बटा आधार लगभग बराबर, हम तो लंब मान नहीं रहे ना यहाँ पर, लेकिन लगभग हम लेकर चलेंगे। यदि बहुत छोटा कोण होगा तो लंब और चाप में ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन टेन माइनस अल्फा टू, मतलब टेन माइनस थीटा मतलब क्या होता है, माइनस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा टू। इसी प्रकार इस वाले पे हम लेकर चलेंगे, इसमें हम देखेंगे तो ये अल्फा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चाप बटा ये वाला त्रिज्या, तो ये अल्फा वन बराबर ये चाप पी क्यू बटा ये त्रिज्या, यहाँ पर साइन कन्वेंशन ले लिया तो माइनस यू, तो माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन टेन अल्फा वन। इन दोनों मानों को अब यहाँ पर हम रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एन टू अपॉन एन वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एच वन अपॉन एच टू इन टू माइनस माइनस मैं सीधे लिख देता हूँ, कट जाएगा माइनस इसका जो कटना है, टेन अल्फा वन अपॉन टेन अल्फा टू, पी क्यू भी कट गया। तो अब इसको हम अरेंज कर देते हैं इस फॉर्म में, ये जो लैग्रांज इक्वेशंस हैं आप मैग्निफिकेशन उस पर, तो ये हो जाएगा एन टू एस टू टेन अल्फा टू इज इक्वल टू एन वन एच वन टेन अल्फा वन। देखिए उल्टा लिखा गया है, कोई बात नहीं, इसको हम सबको टू कर देते हैं और इसको हम सबको वन कर देते हैं, बात तो ही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक क्लियर हो गया। इसको ये आपका क्या हो गया, लैग्रांज इक्वेशंस ऑफ मैग्निफिकेशंस। इसी में मैं थोड़ी सी बात आपको एक और लास्ट में कमेंट कर देता हूँ, ध्यान से इसको हम लिखें, यदि हम एन वन अपॉन एन टू लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एच टू अपॉन एच वन और इन टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा टू अपॉन टेन अल्फा वन। ये डिस्कशन है बेटा, छोटा सा है ना, थोड़ा सा। प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब का कोणीय कोणीय लंबाई कह लो या कोण, प्रतिबिंब द्वारा जो कोण उस पर किसी लेंस निकाय पर कोण बनाया जाता है, और बटा वस्तु द्वारा बनाया गया कोण, दर्शन कोण जैसा होता है वैसे ही कोण है आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोणीय आवर्धन हो गया और ये क्या हो गया, रेखीय आवर्धन। तो एन वन अपॉन एन टू मतलब दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों का अनुपात उन दोनों माध्यमों के लिए रेखीय आवर्धन क्षमता और कोणीय आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। अब इसी को दूसरे तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब तुम लोगों ने और कोई मुझे लिखकर भेजा नहीं है, जितने आप मुझे बताते जाएंगे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको क्लियर करते जाऊंगा।